सोशल मीडिया पर रहसी समुदाय को लगातार अपमानजनक बातें व जातिगत भद्दी गालियां देने वाले ओकेंद्र राणा की मुसीबतें बढ़ती हुई दिख रही हैं। आपको बता दें कि अम्बाला के बाड़ा थाने के बाद अब हरिद्वार के बहादराबाद थाने में इसके खिलाफ SC ST एक्ट व अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। भीम आर्मी के रानीपुर विधानसभा अध्यक्ष रॉबिन गौतम के द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर हुई FIR में इसके पहले वीडियो का जिक्र करते हुए लिखा है कि सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति जिसका नाम ओकेंद्र राणा है, जो हरियाणा में रहता है, फेसबुक पर लगातार वीडियो बनाकर भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह को जान से मारने की धमकी दे रहा है और वीडियो में समस्त दलित समाज की माता बहनों को गंदी गंदी गालियां दे रहा है तथा माताओं बहनों के चरित्र पर सवाल खड़े करते हुए टिप्पणी कर रहा है कि यह दलित महिलाएं अपने बच्चों को हमारे द्वारा ही हमारे खेतों में पैदा करती हैं, इनकी औकात 2 कौड़ी की है। इसके बाद आपको बता दें कि शिकायतकर्ता ने इसकी दूसरी वीडियो का जिक्र करते हुए लिखा है कि ओकेंद्र राणा 3 जुलाई को हरिद्वार के बहादराबाद महाराणा प्रताप चौक पर कुछ स्थानीय अज्ञात युवकों के साथ आया और महक सिंह को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए पुनः जान से मारने की धमकी दी। आगे शिकायतकर्ता ने कहा कि यह व्यक्ति 2 समुदाय को आपस में भिड़ाकर हरिद्वार का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, इसके खिलाफ सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। तो यह ओकेंद्र राणा के खिलाफ अम्बाला के थाना बराड़ा के बाद अब हरिद्वार के बहादराबाद थाने में SC ST एक्ट सहित कई अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हैं। लेकिन देखना वही है कि इतनी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज होने के बाद, वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद होने के बाद, हरियाणा और उत्तराखंड की पुलिस इस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती है या नहीं, इसकी गिरफ्तारी होगी या नहीं। वीडियो देखने के बाद कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें।